सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 17 है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब जंतुओं से संबंधित प्रैक्टिकल थे जो ख़त्म हैं, अब पौधों से संबंधित प्रैक्टिकल आना है। तो यह उद्देश्य या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखना है, जलीय जो परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादपों का अध्ययन, मतलब जो जल में पौधे रहते हैं तो वो किस प्रकार से जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं उसका वर्णन हमें करना है। तो क्या होगा, आपको एक स्पेसिमेन रखा जाएगा या फिर आपको सीधे ताज़ा मतलब जो पौधा होगा उसको तोड़ करके या उखाड़ करके या वैसे उठा करके लाया जाएगा और रख दिया जाएगा आपके समक्ष, और आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा पौधा है और फिर उस पौधे को पहचान करके लिखना होगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे। तो ये प्रयोग नंबर कौन सा, 17 है, और उसमें हमें उद्देश्य लिखना है पहले या ऑब्जेक्ट लिखना है, जलीय परिस्थिति जो परिस्थितियों में क्या है पाए जाने वाले पादपों का अध्ययन, या ऐसा भी आ सकता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें जो है अनुकूलन या जलीय अनुकूलन ऐसे करके भी आ सकता है। जो पौधे जल में पाए जाते हैं उन पौधों को कहते क्या हैं, तो उन पौधों को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। वे पौधे जो जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं ऐसे पौधों को हाइड्रोफाइट्स या जलीय पौधे कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स हैं, आप ध्यान रखें, हाइड्रो का मतलब जल, फाइट्स का मतलब पौधे, तो जलीय पौधे हो जाता है। ठीक है, तो क्या होंगे, हाइड्रोफाइट्स होंगे, ये बात भी ध्यान रखना हमें। अब क्या है, देखो आवश्यक सामग्री तो हमें चाहिए का इस प्रयोग को करने के लिए, तो देखो ताजे या परिरक्षित प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब है जो आपको दिखाया गया हो, जिसके बारे में आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो आपको रखा जाता है, आगे आपके सामने रखा होगा, उसमें ना कुछ लिखा होगा, आपको ही पहचाननी होगी, तो वही कह रहा ताज़ा। ताजे का मतलब है जो, जैसे कि कहीं से लाए हम ये पौधा जो हम इसमें लिखेंगे, या फिर आपको एक स्पेसिमेन रखा होगा उसको देखना होगा उसमें होगा तो आपको पहचानना होगा ये काय का पौधा है क्या है, और उसी को हेडिंग डाल करके फिर लिखना होगा। ठीक है, तो आपके समक्ष होगा, जैसे हम हाइड्रा का भी तो हम बता देते हैं आपको, लेकिन बाद में नहीं, जलीय पादप हाइड्रा, तो कौन सा है जो रखा आपका प्रतिदर्श है, मतलब स्पेसिमेन कांच की जो बोतल हो टाइप की होती है उसमें क्या भरा रहता है, फॉर्मेलिन 40% और उसमें जल होता है, तो उसी में परिरक्षित रहते हैं फॉर्मेलिन में, क्योंकि किसी भी जीव को रख देते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता है, ज्यों का त्यों बना रहता है, मर तो जाता है, मृत हो जाता है, और लेकिन क्या रहता है उसका शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रतिदर्श मतलब एक उसको दिखाने के लिए कि ऐसा जीव होता है, तो परिरक्षित ही लिखा ना, परिरक्षित, परिरक्षित का मतलब होता है डिकम्पोज नहीं होता, उसको परिरक्षित कर दिया जाता है, नष्ट नहीं होता है। या फिर ताज़ा लाएंगे हम निकाल करके तो आपको दे दिया जाएगा या रख दिया जाएगा वहीं पर, आपको पहचानने होगी। तो किसका पौधा होगा, हाइड्रा जैसे रखेंगे, अभी तो हम बता दे रहे हैं आपको, लेकिन वहाँ जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पर नहीं बताया जाता है, अब हम दिखा रहे हैं आपको हाइड्रा का चित्र, तो आपको अच्छे से पहचान लेना है। ठीक है, फिर उस अभी कमेंट लिखाएंगे तो आप लोग याद कर लेंगे, तो वहाँ आप लिख भी देंगे। ठीक है, तो आप, तो ये रहा हाइड्रा का पौधा, देख रहे हैं ये दिख रहा है, तो इसमें क्या है, ये जल निमग्न पौधा होता है, मतलब ये जल में डूबा रहता है, देखो यहाँ तक जल भरा है और ये पूरा जल में डूबा हुआ होता है, इसलिए इन पौधों को क्या कहते हैं, जल निमग्न पौधे कहते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका यही है, एक पॉइंट ये है कि ये जलीय पौधा है, और कैसा पौधा है, जल निमग्न है, मतलब जल में पूर्ण रूप से क्या है डूबा हुआ रहता है, और क्या है स्थिर रहता है, तैरता नहीं, स्वतंत्र तैराक नहीं, स्थिर तैराक है, क्योंकि ये नीचे ज़मीन में देखें, ये इसका स्टोलन है जो स्टेम है क्षैतिज फैला हुआ है, ठीक है, उसी से नीचे की ओर जड़ें निकली हैं और ऊपर की ओर ये तने हैं जिनमें पर्वसंधियाँ हैं, ये जहाँ पर पत्तियाँ लगी हैं ये पर्वसंधियाँ हैं, तो वहाँ पर एक क्या है महीन छोटी छोटी पत्तियाँ क्या हैं निकली हैं पर्वसंधियों से चारों ओर। ठीक है, इस प्रकार से क्या है पत्तियां निकल जाती हैं, ये तना होता है, और ये तने जो होते हैं दुबले पतले होते हैं, मतलब यांत्रिक ऊतक इनमें नहीं पाए जाते हैं, तो पत्तियां भी कैसी हैं छोटी छोटी हैं, यांत्रिक ऊतक नहीं, यांत्रिक ऊतक का मतलब होता है तना कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्व तथा पर्वसंधियाँ भी हैं, जल में डूबा हुआ है, तो ये चित्र है, ये लिखा भी है इसके नीचे क्या है हाइड्रिला। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये चित्र क्या करना है, बना लेना है अपनी फाइल पर, इसको बना लेना है, तो वीडियो को रोक करके आप हाइड्रा का चित्र क्या कर लेंगे अपनी जो फाइल है उस पर बना लेंगे,
बनाने के पश्चात क्या करना है आपको पता है, क्योंकि अनुकूलन लिख रहे हैं हम, तो इसको हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, ठीक है। हाइड्रा में अनुकूलन कैसे होता है तो ये दिखा रहा है, इसलिए हम इसका वर्णन नहीं करेंगे। अगर स्पेशली इसका ऐसे ही बता रहे होते तो आपको क्या करना पड़ता, वर्गीकरण करना पड़ता, तो इस वर्गीकरण नहीं होगा, इसमें सीधे कमेंट्स आ जाएंगे। तो ये पहचान लो, ये इस प्रकार का अगर पौधा दिखे तो वो क्या होगा, हाइड्रा होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके देख लेते हैं कमेंट्स या जो लक्षण या पॉइंट लिखने हैं। तो हमने जो पौधा देखा वो किसका है, हाइड्रा का है, ठीक है। किसका है, हाइड्रा का पौधा है। एक हाइड्रा होता है, हाइड्रा जंतु है, हाइड्रिला क्या है, पौधा है। ये बात भी दोनों में अंतर क्लियर रखना है, क्योंकि हाइड्रिला क्या है, एक पौधा है, और हाइड्रा क्या है, एक जंतु है, जो हमने सीलेंटेटा संघ में पढ़ा था। अब कमेंट ये रहे इसके, ठीक है, हाइड्रा के। तो पहला कमेंट क्या है, पहला ये है कि जो हाइड्रा जल निमग्न स्थिर जलीय पादप है। क्या है, हाइड्रा जल निमग्न स्थिर जलीय क्या है, पादप है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, दूसरा पॉइंट है, हाइड्रा अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं। मतलब हाइड्रा में, यहाँ में भी कर सकते हैं, क्या है, हाइड्रा में क्या है, अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं। मतलब देख रहे हो आप उस पौधे को, तो कैसा आपको दिखाई दिया कि इसमें अल्प विकसित अपस्थानिक जड़ें उपस्थित हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका तीसरा, हाइड्रा की जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम अनुपस्थित हैं। क्योंकि जलीय पौधों के विशेषकर लक्षण ही, अगर जलीय पौधा आएगा तो ये आपको पॉइंट लिखने ही लिखने हैं कि जड़ें अल्प विकसित अपस्थानिक हैं, और क्या है, हाइड्रा में जो मूल रोम है या रूट हेयर हैं ये नहीं होते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट है, ये कौन सा है, चौथा है। चौथा क्या कह रहा है, हाइड्रा की जड़ों के शीर्ष पर मूल गोप या रूट कैप अनुपस्थित होता है। क्या होता है, जो जड़ होती है तो उसके शीर्ष पर एक सफ़ेद या हल्का पीले रंग का क्या होता है, एक शीर्ष पर एक टिप होती है, या रूट के सबसे शीर्ष पर, उसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, या फिर मूल गोप कहते हैं, जो जड़ को, जो ये जो होता है, जड़ होती है तो जड़ को वृद्धि कराता है और आगे जो इसको घर्षण से बचाता है, ये बात ध्यान रखना, और संक्रमण को भी रोकता है। तो इस प्रकार से इसका एक कार्य होता है, लेकिन क्योंकि इसको ज़मीन के अंदर जाना नहीं है, जल में इसकी जड़ें रहनी है, इसलिए इसको घर्षण की कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए ये पाया नहीं जाता है, कौन, रूट जो कैप है या मूल गोप है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, देखो मूल गोप नहीं पाया जाएगा, मूल रूम नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम जब सिलेबस में भी पढ़ेंगे तो ये। हाँ, अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रा का तना पतला तथा कमज़ोर होता है, ये आपको अभी चित्र में भी बताया था। अगला, हाइड्रा के तने में यांत्रिक ऊतकों का क्या है, अभाव होता है। यांत्रिक ऊतक होते हैं जो, जैसे कोई वो स्थलीय पौधा है, जैसे आपने देखा होगा लंबे लंबे पौधे होते हैं तो वो कितने कठोर होते हैं, उनका तना क्या होता है, कठोर होता है, अर्थात उनमें क्या पाए जाते हैं, यांत्रिक ऊतक पाए जाते हैं। लेकिन जो पौधे जलीय पौधे होते हैं, क्या उनमें लकड़ी जैसी चीज़ पाई जाती, नहीं पाई जाती, तना बिल्कुल पतला, दुबला पतला, ऐसी मुलायम होता है, कमज़ोर रहता है। तो उसका मतलब है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें यांत्रिक ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें यांत्रिक ऊतक भी नहीं है, मतलब इनका अभाव है, यांत्रिक ऊतकों का क्या है, अभाव होता है। अगला है, हाइड्रा में वायु ऊतक एरेनकाइमा अधिक मात्रा में है, मतलब उपस्थित है या पाया जाता है, जिस कारण यह जल में तैरती रहते हैं। देखो आपको ये बात भी पता होगी कि कोई भी भारी चीज़ हम अगर जल में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ को खोखला कर दें, बंद कर दें, तो उसमें वायु भरी रहती है तो वो क्या है कि तैरती रहती है। ऐसे ही ये होता है, इसके जो तने हैं, ठीक है, जो तने हैं ऊपर की ओर हैं, तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर तने हैं तो उनमें जो तनों में रिक्तिकाएँ होती हैं, मतलब रिक्त स्थान होते हैं और उनमें वायु भरी रहती है, इसलिए तो इनको कहा वायु तक। जो वायु तक, वायु तक का मतलब कुछ रिक्त स्थान है जिसमें तनों के अंदर क्या है, या इनमें जो इसके पौधा है उसमें क्या है, वायु भरी रहती है अंदर गुहाओं में, ठीक है। तो जिससे कहा रहता, ये ऊपर तैरता रहता, नहीं तो ये तो जैसे सीधा क्यों खड़ा रहा, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, नीचे ज़मीन में लेटा रहेगा। तो इसलिए क्या है, ऊपर तैरता इसलिए है, ऊपर की ओर उठा क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जो वायु तक अधिक मात्रा में होता है। अगला है, हाइड्रा में छोटी छोटी पत्तियों
तने की पर्व संधियों पर चक्राकार क्रम में व्यवस्थित हैं। देखो जो पर्व संधियाँ पर्व तथा पर्व संधियाँ आपको इस क्लास में बताई दी हैं, न जानते हों तो आपको बता देंगे हम बाद में। देखो कोई तना जैसे जो आपने देखो बांस का देखा होगा या गन्ना देखा हो, वे तो देखा ही होगा, तो जो गांठें होती हैं उन्हें पर्व संधियाँ कहते हैं। और जो मतलब एक गांठ से दूसरे गांठ के बीच में जो पूरा लंबा सा एक स्थान रहता है उसे कहते हैं पर्व कहते हैं। तो पर्व मतलब पर्व जहाँ जुड़ते हैं तो गांठ बनी, तो इसीलिए उसको गांठों को क्या कहते हैं, पर्व संधियाँ। और पर्व कहते हैं जो एक गांठ दूसरे दो गांठों के बीच में होते हैं, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो उन्हीं पर जो गांठें जैसी हैं, गांठें होती हैं, उन्हीं पर क्या पत्तियाँ छोटी छोटी हों और चक्राकार घेर के लगी हों उसमें, ठीक है। अगला जो है संपूर्ण पादप सतह से क्या है, जल तथा खनिज लवणों का जो हाइड्रा है उसकी संपूर्ण सतह से क्या कर सकता है, जल और खनिज लवणों को अवशोषित कर सकती हैं, करने की क्षमता होती है, इसलिए इसमें जाइलम है नहीं, क्योंकि इसको अवशोषित जल करने ही नहीं है, अवशोषण करके कहीं पहुंचाना है ही नहीं, क्योंकि पत्तियां भी अवशोषित कर सकती हैं, तने भी अवशोषित कर, संपूर्ण कोशिकाएँ क्या करती हैं, जल को अवशोषित करने की क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार से आज के में हमने हाइड्रा है, हाइड्रा में जो जलीय अनुकूलन है उसको जान लिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।